हेलो फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त आफताब और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल बिटकॉइन प्राइवेट की में दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश आप सब फ्रेंड्स को जो लोग मेरे चैनल को लाइक करते हैं शेयर करते हैं और उसको सब्सक्राइब भी करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश उन दोस्तों को भी जो मेरे इस चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं और मेरी चैनल को पसंद करते हैं आप सबको बहुत ज़्यादा खुश तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो बरए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी फ़ौर फ़ौर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी एक वीडियो है यहाँ पर एफ के नाम से इस एफ वीडियो में जो मैंने फाइल दी है एफ को यूज़ करने के लिए इस फाइल को आप लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया है डाउनलोड किया है आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को अभी तक 700 से ज़्यादा लोग जो है वो डाउनलोड कर चुके हैं ठीक है इट मीन्स कि मेरे इस चैनल पर ऐसे लोग हैं जो कि मेरी इस वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं और मेरी वीडियो की जो डाउनलोडिंग है उसको यूज करके यूज़ भी कर रहे हैं डाउनलोड भी कर रहे हैं अगर आप नोटिस करें तो सात लोगों ने अभी तक डाउनलोड कर ली है मेरी वीडियो तो इट मीन्स कि वो अलग अलग, अलग लोग 700 तो ऑलरेडी हैं ही इस चैनल पे हालांकि 700 नहीं है 700 से बहुत ज़्यादा मेरे पास जो है ना उसकी नोटिफिकेशन आ रही है कि बहुत सारे लोगों ने आपके चैनल को लाइक किया हुआ है बहुत सारे लोग आपकी वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन बताने का मकसद ये है जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ठीक है थीके? अभी तक देख रहे हैं कि मेरे चैनल पर टू सब्सक्राइबर है जब जबकि वीडियो को डाउनलोड करने वाले लोग सात से ज़्यादा हैं अगर वो 700 लोग जिन्होंने मेरी वीडियो को जिन्होंने मेरे जो प्रोग्राम है एफ की जो मेरी फाइल है उसको डाउनलोड किया है सात लोगों ने तो अगर वो सात में से कोई एक एक लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दे तो अभी तक तो सात सौ से ऊपर हो जाने चाहिए थे लेकिन सात सौ से ऊपर सात सौ अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हुए उसका रीज़न यही है कि आप लोग मेरे चैनल से फ़ायदा तो उठाते हो वीडियोज़ को भी देखते हो लाइक भी करते हो पसंद भी करते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते इसी वजह से अभी तक सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरे पास बहुत कम आ रही है और इसका फ़ायदा आपको कुछ नहीं होता इसका उल्टा नुकसान होता है कि मैं जब कोई वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको लोगों को नहीं मिलती है और जो मेरा चैनल है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है ठीक है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग मेरे चैनल पे आए हैं नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन मिल जाए और आपको पता चल जाए कि मैंने आज ये वीडियो अपलोड की है ठीक है तो सबसे पहले तो होगी आज की ये वाली बात अच्छा आज की जो वीडियो है वो ये है कि आज हम एक नई चीज़ की करने जा रहे हैं सर्चिंग और सर्चिंग क्या है वो भी आपको मैं बताना चाहूँगा आप लोगों ने जब यहाँ पर क्लिक करना है मैं आपको बताता हूँ ये देखें ठीक है ये है हमारे पास कुछ चीज़ें ये हमारे पास फाइल है ये हमारे पास मेन हमारा प्रोग्राम है ये रिक्वायरमेंट है ये फाउंड है ये बी ई पी नाइन जीरो थर्टी नाइन अच्छा है ही क्या चीज़ ये है आज टी डब्ल्यू हैक टी डब्ल्यू हैक ये टी डब्ल्यू से क्या मना है टी डब्ल्यू है ट्रस्ट वॉलेट ठीक है आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ट्रस्ट वॉलेट जो है वो एक एप्लीकेशन है ठीक है वॉलेट की एप्लीकेशन जब आप उसको ओपन करोगे ट्री आर यू एस टी ट्रस्ट वॉलेट ठीक है इसके बारे में तो आप लोगों को सबको ही पता होगा ट्रस्ट वॉलेट के बारे में ठीक है ये ट्रस्ट वॉलेट अच्छा इस ट्रस्ट वॉलेट की जो प्राइवेट की है इसको सर्च करने का तरीका क्या होता है या इसकी इसको जो पास फ्रेश होते हैं वो क्या होते हैं देखिए जब आप ये ट्रस्ट वॉलेट जनरेट करते हैं ना तो इसके 12 डिजिट के जो है पास फ्रेशस जो होते हैं ना नंबर्स वर्ड्स वो होते हैं जनरेट ठीक है generate, जैसे इसके अंदर है ये ये एक है ये एक है ठीक है इस तरह ये एक है ये एक है इस तरह एक एक करके ये सारे पास फ्रेशस जो है ना वो इस फाइल में दिए हुए हैं ठीक है ठीके? ये पास फ्रेशज ये बारह पास फ्रेशस की को लेके ये एक जो वॉलेट जो है ना ये जनरेट होता है इस वॉलेट के अंदर आप बिटकॉइन जमा करवा सकते हैं बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं देखिए सेंड रिसीव बाय ट्रेड सब कुछ हो सकता है इस वॉलेट के ज़रिए बहुत सारे लोगों को इस ट्रस्ट वॉलेट के बारे में पता होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी उन लोगों को बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता चलता ठीक है अच्छा अब हमने आज करना है इस ट्रस्ट वॉलेट की हैक करनी है मेरे पास एक ई रिसीव हुई थी उन्होंने मुझे कहा था भाई ने कि मुझे एक ट्रस्ट वॉलेट का जो है वो हैक बताएं जिसकी मैं उसकी प्राइवेट की जो है मुझे हासिल करने का तरीका कर बताएं कि मैं कैसे करूंगा ठीक है अच्छा ये हमारे पास जो फाइल है उससे पहले ये रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट क्या है कि आप ये सारी पिप है ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है ठीक है ये ये एक बहुत ज़रूरी है इसके अंदर ये भी आ जाएगी ये भी आ जाएगी मल्टी प्रोसेसिंग अलग से कर लें लेकिन ये इसके लिए करना बहुत ही ज़रूरी है अगर ये पिप नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा मैं यहाँ पर अगर ये लिख के करूँगा तो ऑलरेडी मुझे बता देगा कि ये आपके पास है ये देखिए अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा इसमें सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है ना इसकी है ये करेंगे तो ये भी आ जाएगा और ये जो है ना ये जरूरी है अच्छा ये आ गया देखिए क्या लिखा हो है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बेस 58 ऑलरेडी है ठीक है तो मेरे पास ऑलरेडी बेस 58 है मैंने सारी चीज़ें इंस्टॉल करके रखी हुई है। हैं अब करना क्या है करना यह है कि इसको हमने करना है आ, आ, पाइथन की अपनी फाइल में लिखना सी एम डी ये लिखा लिखने के बाद पाइथन हम अपनी कमांड पर जाएंगे टी डब्ल्यू हैक और डॉट पी वाई इंटर किया लीजिए जनाब आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो गया आगे बॉक्स ओपन ये अच्छा इसमें हमने करना है इसको सबसे पहले चलकर ये नंबर ऑफ़ पास फ्रेस मेमोनिक वर्ड्स ठीक है मेमोनिक वर्ड्स जो होते हैं ये ट्रस्ट वॉलेट के पास फ्रेसेज होते हैं सीड्स होते हैं जिसके जरिए जो है ना ट्रस्ट वॉलेट के uh, की प्राइवेट की जो है वो जनरेट होती है इसको हमने कर देना है यहाँ पे 12 पे ठीक है लेकिन 12 जब आप करोगे तो ये 12 एक वर्ड ज्यादा देगा हम इसको एक हटा के हम इसको 11 कर देते हैं ठीक है इसको हमने कर दिया 11 पे ये नंबर ऑफ एड्रेस ट्राइड सोफार की ये कितने एड्रेस को ट्राई कर कितने एड्रेस को इसने ट्राई कर लिए और नंबर ऑफ पॉजिटिव बैलेंस कितना पॉजिटिव बैलेंस की कितने जो कीज हैं जो प्राइवेट कीज हैं इसको मिल चुकी हैं ये जितनी कीज़ इसको मिलेंगी यहाँ पे ये यह लिख देगा एक मिलेगी पॉजिटिव बैलेंस के साथ लिख देगा दो मिलेगी लिख देगा लेकिन जो भी इसको मिलेंगी वो यहाँ पे लिख देगा अच्छा इसको स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा ये स्टार्ट और स्टॉप लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले ये देख रहे हैं मेमोनिक डिक्शनरी ये डायरेक्टरी ठीक है डिक्शनरी बेसिकली लिखा हुआ ये इसको हमने ऐड करना है किस तरह ऐड करना है जब तक ये ऐड नहीं करोगे ये तो ये नहीं चलेगा हमने यहाँ पे ब्राउज पे जाना है यहाँ ब्राउज पे क्लिक किया और ये बी आई पी डबल जीरो नाइन डबल ज़ीरो डबल नाइन ठीक है आपने इस पे यहाँ पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद आपने इसको किया ओके ओपन किया ये आ गई यहाँ पे ठीक है ये आ गई अब ये हम इसको चलाएंगे रन करेंगे देखिए कैसे चलता किस तरह कितना क्या इसका तरीका कार है हम इसको स्टार्ट करेंगे आ गया अब ये देखें ये नंबर ऑफ एड्रेस ट्राइड सो आर ये कितने एड्रेस को ये इसने ट्राई किया है ये वो आ गया इसके साथ इस ये कर रहा है मैं इसको ज़रा रोकता हूँ रुके ये देखें मैंने आपको कहा था कि ये ये जनरेट करेगा ये नंबर जनरेट करके इसके पास फ्रेशस ये पास प्रेसिस जनरेट होंगे और ट्रस्ट वॉलेट के जो प्राइवेट की जो इंपोर्ट होती है उसमें ये बारह डिजिट की जो लेटर्स होते हैं ये चाहिए होते हैं अब ये मुख्तलिफ लेटर्स को जो है ना वो बनाता है जनरेट करता है और उन लेटर्स के हिसाब से इसका हैक्स की प्राइवेट की बनाता है और प्राइवेट की के बाद इसका एड्रेस बनाता है और उस एड्रेस का जो, दे है, जो है ना ये विफ यहाँ पे दे देता है ठीक है अब यही जो है ना यही जो है ये इसका जब ये ढूंढ लेगा कोई इसको प्राइवेट की इसको मिल जाएगी बैलेंस के साथ तो ये यहाँ पे ज़ीरो इसका जो बैलेंस है यहाँ पे शो कर देगा कि इसको एक बैलेंस मिला है और ये दूसरा बैलेंस आगे दोबारा चलना शुरू हो जाएगा और ढूंढना शुरू कर देगा ये यहाँ पे रुका नहीं रहेगा लेकिन जो बैलेंस ये ढूंढ लेगा जिसकी प्राइवेट की इसको यहाँ पे मिल जाएगी यहाँ पे ये जो प्राइवेट की इसको मिल जाएगी तो एक तो नंबर यहाँ पे लिख देगा कि एक इसको बैलेंस मिल गया और सेकेंड क्या करेगा ये इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे इसका प्राइवेट की यहीं पे ये चारों ये चार चीज़ें हैं ना ये वाली ये चारों चीज़ें ऐसी ऐसी आपको मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ ऐसी यहाँ पर आपको ये इस जगह पर इसी तरह आपको लिखी हुई नजर आ जाएंगी आप इसको ट्रस्ट वॉलेट में दो तीन तरीके हैं जैसे आप इसको अपलोड कर सकते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में डाल डाल सकते हैं पहली तो ये कि आप ये जो प्राइवेट की है ये वाली प्राइवेट की इसको अपनी ट्रस्ट वॉलेट में प्राइवेट की से एंटर करना चाहे तो एंटर कर लीजिएगा आपका ट्रस्ट वॉलेट इसको एक्सेप्ट कर लेगा और जितना बैलेंस यहाँ पर दिखाएगा ये अगर होगा सात बिटकॉइन होंगे तो आपको सात बिटकॉइन सेवन पॉइंट वन टू फाइव सिक्स जो भी है टू थ्री फोर फाइव ये जितना भी बैलेंस है ये यह आपको यहाँ पे दिखा देगा मतलब उसके अंदर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर इस वॉलेट के अंदर जो यहाँ पर है ये नजर यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे दिखा देगा कि इतना बैलेंस ये इसमें अपलोड हो गया और ये डॉलर्स में इसकी इतनी अमाउंट है इसी तरीके से ठीक है फाउंड में अच्छा पहला तरीका ये था इससे आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरा तरीका ये था कि इसकी ये जो ये पैटर्न है वाला पास फ्रेशस मेमोनिक पास फ्रेशस ठीक है ये एक, -एक आपसे ट्वेल्थ डिजिट के मांगेगा तो ये देखेंगे ट्वेल्थ डिजिट ही होंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह ठीक है आगे बारह ही प, ब, ब, डिजिट पास प्रेसिस आप आ, ट, आ, आप इन वॉलेट्स को जो है ना ये जो ट्रस्ट वॉलेट है इसमें ये बारह डिजिट जब आप इसको एंटर करोगे तो बारह डिजिट आपकी ये मांगेगा जब आप इसको एंटर करोगे तो आपका जो ये वाला है वॉलेट ये उसमें इम्पोर्ट हो जाएगा और आपको ये बिटकॉइन भी वहाँ पे नज़र आ जाएंगे और ये बैलेंस भी आपको यहीं पे नज़र आ जाएगा तो ये था आज का प्रोग्राम और इसको मैं दोबारा अगर आपके लिए स्टार्ट करता हूँ तो ये देखें ये इसी तरह आपको जो है ये दिखाना शुरू हो जाएगा चलना शुरू हो जाएगा अभी देखें फिफ्टी कर दिया अब आई डोंट नो मुझे नहीं मालूम कि एक मिनट में कितने कर रहा है मैंने अभी तक काउंट नहीं किए अगर मैं काउंट कर भी लेता हूँ तो तकरीबन एक मिनट में ये जा रहा है हंड्रेड के करीब तो जाएगा हंड्रेड से ऊपर ही करेगा अच्छा उसका रीज़न ये है कम रीज़न ये है कि ये एक सेकंड का या आधे सेकंड का ये बीच में गैप ले रहा है ठीक है पासवर्ड को जनरेट करने के लिए अब वो आधे सेकंड का गैप इसलिए ले रहा है कि उसको जो ब्लॉकचेन की एपीआई है उससे इसको बैलेंस भी कंफर्म करना होता है ठीक है तो इस वजह से भी ये थोड़ा सा स्टे करता है तो गैप लेता है गैप लेने के बाद फिर ये दोबारा सर्चिंग पे लग जाता है तो आधे सेकंड का ये गैप लेता है उसके बाद ये सर्च करना शुरू कर देता है अभी देखें इसने दो मिनट नहीं हुए Uh, कि इसने 133 इसने सर्च आउट कर लिए तो अब ये जितने भी पाँच फ्रेशज हैं ये वाले ये सबको आपस में मिक्सअप कर रहा है एक को उसके साथ लगा रहा है दूसरे को दूसरे के साथ लगा रहा है तीसरे को, अगर एक इसने यहाँ से उठाया तो दूसरा ये यहाँ से उठा लेगा पिक कर लेगा अगर दूसरा यहाँ से उठाया तीसरा हो सकता है यहाँ से ले ले चौथा हो सकता है कि चौथा यहाँ से ले ले तो इस तरह करके हर इन ये जितने भी है, ये है, हैं ये तकरीबन हैं पांच फ्रेशज हैं ये 2048 पास फ्रेशेज है तो सबको आपस में मिक्सअप कर रहा है देखिए मैं आपको फिर एक दफ़ा इसी से में से चला इसी में से मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये देखो अगर एक इसने पैटर्न ये उठाया तो दूसरा ये ट्रेजडिक पर ले आया जब ये ट्रेजिक पर लेकर आया तो तीसरा ये अपार्ट पे ले चला गया चौथा ये केक पे चला गया फिर ये फिर ट्राई पे आ गया फिर आई से इंच शुरू कर दिया फिर इम्पोज ये क्ले ये इस तरह अलग अलग जो पास फ्रेशज हैं उनको ये चेक कर रहा है उनको इसमें से ले रहा है ये देखें ये अलग अलग ले रहे हैं एक यहाँ से उठाएगा दूसरा ये बीच में सेंटर में से आ जाएगा तीसरा यहाँ से आ जाएगा तो अलग अलग जो है ना पास पासप्रेशस लेके काउंट करके उसको उसकी प्राइवेट की जनरेट कर रहा है तो ये बेसिकली इसका काम है इसको रन करने का तरीका तरीकाकार बहुत सिंपल आसान है बस स्टार्ट और स्टॉप आपने एक एक सिंगल क्लिक है एक सिर्फ आपने ब्राउज यहाँ से ब्राउज़ पे जाना है ये ब्राउज़ की फ़ाइल आपको यहीं पे ये मिल जाएगी मैं इसी के साथ आपको दे दूंगा आपने इस ब्राउज़ की फ़ाइल पे जाना है और जाके आपने इसको ओपन कर लेना है इस फाइल को इस फाइल को आपने ओपन कर लेना है ये डिक्शनरी यहाँ पर आ जाएगी इसके मुताबिक सिर्फ आपने स्टार्ट और स्टॉप बस दो बटन आपने इस पर क्लिक करने बल्कि दो भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी आप बस इसको स्टार्ट करके छोड़ दो और इसको इसका काम करने दो ठीक है अब ये फिर आपका वही सवाल आ जाएगा कि कितनी देर में ये कर देगा ये आफ्ताब भाई कब तक कर देगा ये यार मुझे नहीं मालूम बिल्कुल भी मुझे मालूं, नहीं मालूम कब तक कर देगा इसको जब इसकी मैचिंग की की मिल गई ये ये मैच कर रहा है ठीक है जब इसके मैचिंग के पैटर्न इसको मिल गए पास फ्रेशज और उसके अंदर कोई बैलेंस इसको मिल गया तो ये आपको शो कर देगा अब ये कब शो करेगा ये फिर वही सवाल जाके लाइन नंबर में वन पर आ जाऊंगा लाइन नंबर वन के लाइन नंबर वन ये कि जब ये इसको मैच कर देगा इसको ये पैटर्न इसको मैच हुआ मिल जाएगा फिर ये आपको यहाँ पे शो कर देगा और ये बैलेंस इसको यहाँ पर नज़र आ जाएगा ये आपको दिखा देगा कि भाई ये इसकी प्राइवेट की है और ये इस तरह रुकेगा नहीं मतलब जो भी इसको बैलेंस मिलेगा बैलेंस मिलने के बाद यहाँ पे रुकेगा नहीं ये चलता जाएगा और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे शो कर देगा कि नंबर एक मिल गया इसको बैलेंस मिल गया और ये यह बैलेंस यहाँ पर आपके लिए सेव कर देगा ठीक है तो ये थी आज की वीडियो आपके लिए ये है ट्रस्ट वॉलेट के लिए कि ट्रस्ट वॉलेट के पास प्रेसिस जो हैं वो उससे आप ये प्राइवेट की हासिल कर सकते हैं पॉजिटिव बैलेंस के साथ अच्छा दूसरा ये कि अगर यही पास फ्रेस जो हैं बारह डिजिट के आपके ब्लॉक चेन के अंदर भी इसका एक ऑप्शन होता है जिसमें आप ब्लॉक चेन में भी इसको इंपोर्ट कर सकते हो वो तरीकाकार भी मैं आप लोगों को बता दूंगा अगर कोई जानना चाहेगा तो मुझे ईमेल कर दे और ईमेल करने के अलावा मुझे कमेंट्स भी करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा और आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा नहीं या नहीं लगा या आप मुझसे और क्या क्या उम्मीदें रखते हैं मुझे वो भी बता दें वैसे तो मुझे आप लोगों की सारी ई रिसीव होती रहती हैं कि आफ्ताब भाई हमें ये चाहिए आफ्ताब भाई मुझे वो चाहिए आफ्ताब भाई ये वीडियो बना दें तो फरमाइशी प्रोग्राम तो आप लोगों के बहुत सारे आते हैं लेकिन मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता मुझे इस बात का बहुत दुख होता है यार आई आई रियली मैं आप लोगों को सच्चे दिल से बता रहा हूँ मुझे वाकई बड़ा दुख होता है कि मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता हालांकि बहुत सारे लोग देखने वाले आपको मैं अगर अपने चैनल की एनालाइज करके दिखाऊँ ना तो जो यूट्यूब ने जो मुझे बताया हुआ है एक दिन पे मेरे चैनल पे तकरीबन तकरीबन 20 से पच्चीस हज़ार लोग जो है वो विज़िट करके मेरी वीडियोस को देख रहे हैं आप इमेजिन करोगे कि कहां, कहां तक जा रहे? और दूसरा ये 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 सेकंड कि मेरे मैंने तो ली है मेरे वीडियोस की लोगों ने भी कर यार। मैं तो पर मैं नहीं हूँ और है मेरा ईमेल एड्रेस है ही नहीं हो ना वो मेरा चैनल है और मेरी वीडियो चल रही है उस तो नहीं, खुदा जाने कौन लोग है वो क्या चाहते हैं क्या खुद से अपना बना नहीं सकते या खुद से लोगों को दिखा नहीं सकते ये स्किल्स आप लोगों के पास अगर हैं तो आप प्लीज़ इस तरह के काम तो ना करें किसी अच्छी काम की स्किल्स अपनी लगा सकते बहरहाल ये तो बात रही दूसरी लेकिन मैंने किसी को भी किसी को कॉपीराइट क्लेम नहीं भेजा यार मैं किसी के लिए कभी बुरा नहीं चाहता किसी के लिए मैं कुछ बुरा नहीं सोचता कि अब मैं उन लोगों को कॉपीराइट क्लेम भेजूँ तो पता नहीं क्या उनके क्या हालात चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हो सकता है वो मेरे चैनल की वीडियो ले लेके अपने चैनल पर डाल के अपने चैनल को बढ़ाना चाह रहे हो हो सकता है कोई और मसले मसाइल हो सकता है कोई और बातें क्या जानता हूँ मुझे कि किसकी किसी के दिल में क्या भरा हुआ है कौन क्या करना चाहता है बहरहाल जैसा भी है खुदा बेहतर करें उन लोगों के लिए भी जो मेरे चैनल के कंटेंट लेके अपने चैनल पे मेरे नाम से लगा के बेच रहे हैं जाने से पहले एक दफ़ा फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा लाइक भी कर दीजिएगा शेयर भी कर दीजिएगा वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी हाफिज़